हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं आज दिखाने वाला हूँ मुंबई का मिनी पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, मैं फिर से आ गया हूँ धारावी में और धारावी का मिनी पाकिस्तान दिखाऊंगा आपको, मुंबई का मिनी पाकिस्तान दिखाऊंगा। और आते ही कुछ इस तरह से हमें दर्शन होते हैं, कुछ इस तरह से यहाँ पे फर्स्ट इम्प्रेशन मिला है हमें मिनी पाकिस्तान का। और मैं मिनी पाकिस्तान क्यों बोल रहा हूँ आपको समझ आएगा आगे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर मुस्लिम्स लोग रहते हैं। तो चलिए चलते हैं और देख सकते हो यहाँ पे धारावी की रोड पे ट्रेन की पटरियों पे ज़िंदगी पनपती हुई आपको यहाँ पे नज़र आएगी कुछ इस तरह से। सबसे पहले तो यहाँ वहाँ पे बच्चे टॉयलेट के लिए बैठे हैं, तो टॉयलेट कुछ इस तरह से बाहर करते हैं इन पटरियों पे, और पटरियों पे ही इन लोगों का घर बसा है। देख सकते हो यहाँ पे सोने की जगह आपको दिख रही होगी ये पटरियों में। देख सकते हो यहाँ पे ये ट्रेन के ट्रैक यहाँ पे बिछाई हुई है, वहाँ पे बकरियाँ बांधी हुई है। और ऐसा भी नहीं कि ये ट्रेन का ट्रैक बंद है ज़्यादा दिन से, मुझे लगता है ये एक लेन ही बंद है, बाकी की अभी एक वो उस साइड से मेट्रो चली गई है। तो तो देख सकते हो यहाँ पे गंदगी सबसे पहले, और इस गंदगी में यहाँ पर मुंबई में लोगों की ज़िंदगी पनपती है। तो चलिए मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ इस धारावी का काला सच जो लोग नहीं जानते। ओके, देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पे सोने के लिए कुछ बिछाई हुए चूल्हे देख रहे हो, यहाँ पे खाना बनाने के लिए चूल्हे इन लोगों के। पता नहीं ये लोग सारे कहाँ गए हैं, वहाँ पे एक लड़का बैठा है तो पता नहीं ये लोग काम पे गए हैं कहीं बाहर गए, मुझे नहीं पता। बट यहाँ पे खाने पीने की जगह दिख रही है और सोने की भी जगह दिख रही है। देखो मैं आपको आगे, अभी तो मैं फ़िलहाल बाहर ही हूँ, देखो वहाँ से जा रही ट्रेन। ये बाम्बू क्यों यहाँ पे लगाए हुए रहते हैं लोग यहाँ पे? अच्छा, मैं बच्चों को नहीं दिखाऊंगा क्योंकि रूल्स के खिलाफ है, बट यहाँ पे वो लोग रहते हैं। और नहाने की वो क्यों लगाया वैसा? क्या 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 कपड़े चेंज करते हैं उस जगह पे? ओ भाई, हाँ बताता हूँ भाई, वेट भाई, मैं तो हैरान हो गया भाई ये जगह देख के। देखो पहले नहाने के लिए वॉशरूम है और वॉशरूम को जाने के लिए कुछ इस तरह से रास्ता है, और वॉशरूम दिखाता हूँ आपको। अरे भाई मैं ही गंदगी में फंस ना जाऊँ, मैं थोड़े दूसरे रास्ते से चलता हूँ। देख सकते हो अभी उस बच्चे ने बताया कि ये उनका वॉशरूम है और यहाँ पे सब नहाते हैं, तो कुछ इस तरह से नहाने की जगह है धारावी में। ये ग्लैमरस ज़िंदगी है दोस्तों मुंबई की, जो हमें बॉलीवुड में दिखाते हैं। ओके, देख सकते हो ये यार, यहाँ पे इंसान बैठ भी जाए तो उसका शरीर बाहर निकल जाएगा, बट देख सकते हो कितनी छोटी जगह है और यहाँ पे लोग नहाते हैं धारावी के अंदर। पता नहीं कैसे नहाते, सब खुला ही है, बट बस नाम के लिए दोनों साइड से सारी से कवर किया है, बट पता नहीं कैसे नहाते होंगे इसके अंदर। तो लेट्स सी क्या। ओके गाइस, अभी अंधेरा स्टार्ट हुआ है और देख सकते हो गंदगी इतनी है कि मेरे दो दोस्त भाग गए, भाग जाने की तैयारी में। यहाँ पे नानी है। नानी आप अकेले रहते हो यहाँ पे? अकेले रहते हो? अच्छा, नानी का घर देख सकते हो यहाँ पे, ये मंदिर है, मंदिर है। अच्छा, देख सकते हो मंदिर, मंदिर में आप रहते हो? आंटी ने खुद के घर को ये मंदिर बनाया है, पता नहीं। इन अंधेरे गलियों में भाई 365 दिन यहाँ पे अंदर रहता है, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ आपको, बट मैं आपको फिर से यहाँ पे दिखाने आया हूँ यहाँ पे किस तरह से हालात यहाँ पे, बदतर से बदतर यहाँ पे हालात है। तो भैया आगे तो सारे नंगे बैठे हैं, यहाँ पे पूछ भैया। ये गंदगी देख सकते हो भाई, यहाँ की हालत बहुत ही ख़राब है अभी फ़िलहाल तो, क्योंकि गंदगी इतनी है
भाई लास्ट दो बार मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, बट इतना मुझे तकलीफ नहीं हुआ। बट इस बार हालात थोड़े मुझे बहुत ही सीरियस लग रहे भाई, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही गंदगी फैली हुई है। और ये इतना स्ट्रेट है घर के ऊपर जाने का रास्ता, और पता नहीं ऊपर कौन रहता है। तो भाई चलिए चलते हैं, ये है जिंदगी धारावी की। देख सकते हो आगे सिर्फ अंधेरे के लिए है, जो कि छोटी छोटी जगह से थोड़ा सा उजाला आ रहा है। हाँ क्या रे दोस्त बोल रहा है हम घूम जाएंगे, बट इस गली के अंदर से हम जा रहे हैं। कौन लेट्स गो, डरना मना है, डरना मना है। और ये धारा के अंदर का नज़ारा, यहाँ पे पूरी हवा मिली यार, मुझे सांस नहीं आ रही। बट यहाँ पे एक धारा के अंदर यहाँ पे एक दुकान है, छोटी सी दुकान, यहाँ पे देख सकते हो कुछ खाने की चीज़ें चिप्स वगैरह मिलती है। बट छोटा दुकान है यहाँ पे देख सकते हो, और ये चीज़ें भी इधर ही धारावी में बनती है, चिप्स वगैरह ये चकली वगैरह, तो मैं वो भी दिखाता हूँ आपको आगे। फॉलो मी, घर के छोटे छोटे डोर्स देख सकते हो, घर के छोटे छोटे डोर्स देख सकते हो, जो यहाँ पे दीदी अपने कपड़े धो रही है यहाँ पे। तो भाई चलते हैं आगे। लेट्स गो लेट्स गो। भूल भूल ऐसे भाई दो लोग क्रॉस नहीं हो सकते एक बार, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे एक मिनी दुकान है, ओके जा रहा हूँ अंदर। नमस्ते भैया, चलो लेट्स गो भाई। इतना हाल बेकार है यहाँ पे, इतनी गर्मी है कि हमारे हाल बेहाल हो गए हैं। बट मैं फिर भी अंदर अंदर जाके मैं आपको पूरा वीडियो दिखाता हूँ, पूरी सिचुएशन दिखाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सांस लेने को नहीं आती है। ओके देख सकते हो ये पूरी तरह से भूल भुलैया, सारी सीढ़ियाँ है, और देख सकते हो ये है जिंदगी भाई मुंबई की, मुंबई का काला सच। और जो लोग बोलते हैं गवर्नमेंट को नाम लगाते हैं कि यार गवर्नमेंट ऐसी है वैसी है, भाई यार मेरे दो दोस्त है साथ में, एक ये रहा और एक ये रहा कॉल पे बात कर रहा है। इन दोनों को स्मेल से चक्कर आ रहे थे, मैंने तो लगा लिया था मास्क, बट इन्होंने मास्क फेंक दिया था अपना, तो दोनों को चक्कर आ रहे थे। तो मैंने अभी इनके लिए कुछ टैबलेट लाई थी देख सकते हो, और अभी इनको ठंडा पिला रहा हूँ, क्योंकि इनकी थोड़ा ठंडा हो जाए और फिर से मेरे साथ अंदर अब आ सके। तो अब फिर से हम जा रहे हैं धारा में ठंडा पीने के बाद। भैया ओ भैया हेलो। और अंदर इस अंधेरी गलियों में भाई का ये भंगार का दुकान है देख सकते हो, इतना छोटी जगह पे भाई का ये दुकान है। तो भैया यहाँ पे ये सब कौन बेचने आते हैं कि सारे लोग सामान, हाँ इसी गली के सारे लोग बेचते हैं। अच्छा देख सकते कुछ इस तरह से बंगार का दुकान है भाई का। ओके भैया थैंक यू, कुछ कहना चाहते हो धारावी के बारे में? धारावी तो है अच्छी। हाँ आप कहाँ से हो? मैं राजस्थान से। कितने दिन से यहाँ पे रहते हो? हो गया 10 साल। 10 साल से। और घर आपका? मेरा है लेबर के लिए। अच्छा खुद का? नहीं बड़ा। कितना है रेंट? 2000। 12000। 12000 घर का भाड़ा है। और रूम कैसा है? छोटा बड़ा ये इतना अच्छा। बड़ा तो रहेगा अच्छा। तो ठीक है ओके भैया थैंक यू। चलो शिकायतें दूर हो जाएगी, भाई का 12000 रेंट है और रूम तो बहुत ही छोटा। तो ऑफिस का देना, हम लोग इधर फील्ड से निकल। मैंने जो बोला आपको रूल नंबर 2 अपना हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पे, ज़्यादा कैश कैरी नहीं करना है धारावी में। और दूसरा नंबर, यहाँ पे कोई भी आपको आपके ऊपर गुस्सा करेगा ठीक है, तो अपना माइंड शांत रखना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग लोगों को समझे आप क्या कर रहे हो। ओके तो यहाँ पे किसी से उलझना मना है, सही कहना।
चलो लेट्स गो गाइस, इन अंधेरे गलियों से मैं जा रहा हूँ, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ आज 2-3 प्रॉब्लम हुए जो मुझे बीच में से वीडियो रोकना पड़ा। प्रॉब्लम ये हुआ, मेरे दो दोस्तों को चक्कर आ रहे थे इस मेल से, और प्रॉब्लम दूसरी ये थे आज धारा में बहुत जगह पे झगड़े हो रहे थे, और यहाँ पे झगड़े ऐसे होते हैं जैसे गाली गलौज नहीं होता, सीधा मारकाट होता है, इसलिए मुझे रोकना पड़ा वीडियो बीच में से। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।